Hi guys, assalamu alaikum. Welcome back to Samira ki Zindagi. I hope you all are safe and doing great. So, after so... अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। After one year मैंने अपनी सिस्टर को मना लिया है कि वो मेरे साथ वीडियो बना ले। फाइनली वो आज दिन आ गया है। सो मीट माय स्वीट सिस्टर नाज़मीन। आप लोग उसे नाज कह सकते हैं। सो आज का टॉपिक बहुत ही इजी और अच्छा सा है। थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के वीडियो में क्या है। ओके, आज मैं अपनी सिस्टर को पूछूंगी कुछ मेरे रिलेटेड क्वेश्चंस। हाउ वेल डज माय सिस्टर नोज मी, एंड बस उसको उसके आंसर्स देने। फर्स्ट राउंड में ऐसे होगा कि मैं इसको क्वेश्चंस पूछूंगी जिसके जवाब उसको लिख कर बताने होंगे, एंड फिर मैं कंफर्म करूंगी कि वो सच है या नहीं। एंड देन सेकेंड राउंड होगा जिसमें मैं उसको चॉइस दूंगी, लाइक एमसीक्यू काइंड ऑफ। तो मैं दो ऑप्शन दूंगी, बस एक सिलेक्ट करना है जो सही उसको लग रहा है, और वो सही होना भी चाहिए। सो ऐसे कुल 20 क्वेश्चंस हैं। अगर इसमें से उसने 15 के ऊपर क्वेश्चंस के आंसर सही दे दिए तो ये पास है, अदरवाइज लास्ट में इसको फिर मिर्ची खानी होगी, लाइक ग्रीन चिली, एंड मैं सच में खिलाऊंगी। सो 15 से कम आंसर्स मत देना, अदरवाइज यू हैव टू ईट ग्रीन चिली सबके सामने। और अगर मैं 20 के 20 राइट क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ तो मैं खा लूंगी। सो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एंड सबसे इजी क्वेश्चन है, इसका तो जवाब कोई भी दे देगा। व्हाट इज माय फेवरेट कलर? सो दिस इज द क्वेश्चन एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग। यू कैन टेक टू मच टाइम। पेन लिखना बंद हो गई है। ओके, इट्स स्काई ब्लू। स्काई ब्लू समवेयर राइट, बिकॉज सो बचपन से मेरा फेवरेट कलर अब मेरी ब्लैक हो गया। या एक्चुअली आई नो दैट एज वेल, या बट शी नोज दैट एक्चुअली बचपन से मेरा कलर हमेशा स्काई ब्लू मुझे पसंद था, बट अभी वो ब्लैक हो गया है। ब्लैक कलर मुझे बहुत पसंद है, एज वेल एज स्काई ब्लू। शी इज राइट, या अभी चेंज है, बट शी इज राइट, बट आई वाज डूइंग बोथ। ओके, सो शी गॉट 1 point। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, बट इफ लाइक शी नोज मी वेल उसका आंसर वो दे देगी। इफ आई कुड चेंज वन थिंग अबाउट मी, व्हाट वुड इट बी? इट्स वेरी इजी, लेट मी जस्ट राइट इट फर्स्ट। शायद पता होगा, बताओ क्या है। अगर तुमने आंसर चेंज कर दिया तो नो, व्हाई वुड आई? इट्स एंगर एक्चुअली, उसे गुस्सा बहुत आता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती है। तो आई नो हर वेरी वेल कि उसे ये चीज अपने में चेंज करनी है, एंड शी इज लाइक, अगर कंपेयर किया जाए पुराने जो 3-4 साल थे उससे, तो उसने बहुत इम्प्रूव भी किया है, एंड शी इज इम्प्रूविंग डे बाई डे। सो आई एम हैप्पी फॉर हर, एंड आई नो यही एक चीज है जो खुद में चेंज करना चाहेगी, अदरवाइज शी इज परफेक्ट। ओह थैंक यू सो मच, इसके 10 रुपए बाद में दे दूंगी तारीफ के। सो शी इज़ राइट, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी, जितने जल्दी आता है उतने देर से चाहता है। सो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ट्राई करूँ गुस्सा ना करने का, बट यहाँ पे आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, बिकॉज गुस्सा जल्दी तो आ जाता है बट जल्दी चला भी जाता है, बट बहुत मतलब ऐसे हद से ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कुछ कह नहीं सकती मैं इस बारे में। आप लोगों को शायद कभी देखने का मौका मिलेगा, मैं चुपके से शूट करके शायद अपलोड कर दूंगी। तीसरा क्वेश्चन, so what is my dream job? Bet I'm your sister. मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। Let's see. अगर आप लोगों को भी कुछ इनके आंसर्स शायद से पता हो, आप लोग कुछ गेस कर पा रहे हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। So you're done? Yes. It's air hostess. Yes, she is right. But here एक चीज मैं बताना चाहूंगी, बचपन में से बना था टीचर इंग्लिश सब्जेक्ट का, बट अब जैसे जैसे ये बड़ी हो गई है तो इसका सपना भी बदल गया है। शी वॉन्ट टू बिकम एन एयर हॉस्टेस एक्चुअली, एंड वन डे आई विल बिकम एन एयर हॉस्टेस। मेरा हमेशा, यस आई विल, बचपन से टीचर बनना था, जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने सपने बदल जाते हैं, अब मेरा एक ही ड्रीम जॉब है कि मुझे एयर हॉस्टेस बनना है, और मैं एक दिन ज़रूर बनूंगी, एंड शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी,
आई नो मैं जरूर बनूंगी. सो ये इसका भी जवाब राइट था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज माय इंस्टाग्राम बायो, व्हाट इज देयर इन माय इंस्टाग्राम बायो. ओके, रिमाइंड रिमाइंड रिमाइंड. आई नो उसको नहीं पता है, बट थोड़ा तो अगर गेस करेंगी तो शायद जवाब मिल जाएगा. लेट्स सी. लिख रही है इतनी देर लिखने में. नो 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 ब्रेक. Two thousand years later. Okay, जितना याद है last time देखा था. I don't remember anything, so just. You don't remember anything? डरा क्यों रही हो? Okay, okay. I'll change. But तुम हार गई हो. But still, what is my Instagram username? That I have already written. I guess I'm right. बता. I have written this Samira ki zindagi. एक्चुअली इट्स राइट. हावेवर मैं उसको मार्क्स नहीं दूंगी, कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि मेन क्वेश्चन का जवाब उसको नहीं पता. ये क्वेश्चन में बस ऐसे ही चेक कर रही थी. ऐसा कुछ नहीं है, तुमने बायो में भी यही लिखा है. नो, बायो में अलग है. ठीक है, एक्चुअली मैंने अपने बायो में कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा लिखा है, तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या ही गेस कर पाऊंगी. सो तुम हार गई हो, मिर्ची खाने के नजदीक पहुंच रही हो. लेट्स आस्क अनदर क्वेश्चन. ओके, वेरी सिंपल वेरी इजी, पूरा बताना पड़ेगा. ओके, व्हाट इज माय बर्थ डेट. या इट्स इजी राइट. लाइक ईयर के साथ, बर्थ ईयर के साथ बताओ. या 20 सितंबर 1999. ओह या शी इज राइट. ईयर पता था, द बर्थ डेट भी पता था, बट सितंबर थोड़ा कंफ्यूज हो गई. बट स्टिल तुमने सही बताया, इट्स 20 सितंबर. किसी के याद नहीं रहते, मुझे सिर्फ अपना बर्थडे. और नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज, मैंने इसको हजार बार बोला होगा, बचपन की एक मेरी फेवरेट याद जो तुमसे जुड़ी है. मेरी एक ऐसी याद जो इससे जुड़ी हुई है, नाज से. आई हैव टोल्ड यू, मुझे तो सिर्फ एक ही याद आ रही है बस, दैट्स इट, जो इसने मुझे हजार बार बोली है. थिंक सो. Okay, write it down. Let's see if you could guess right or wrong. I don't know, but yeah, I think so. This only. मुझे वो याद बहुत प्यारी लगती है, मुझे बहुत पसंद है. प्यारी, प्यारी. Yes, it's प्यारी. There are many memories, so how can I guess? I have told you several times. Remind it. मेरे कपड़े कॉपी करके पहनना, इसके अलावा तो कुछ याद नहीं. One of them, but why? नहीं बता, मैं तुम्हें करेक्ट नहीं करूंगी. सो राइट एनी वन ऑफ देम, लेट्स सी सही है या नहीं. एक बार इसने मेरे बाल काट दिए थे गुस्से में. आई डिडंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट हाँ मेरे बाल काट दिए थे. और फिर बहुत बाद में उसको पछतावा हुआ, तो रोई थी भी. और वो बाल उसने बहुत सालों तक संभाल के रखे. स्टिल आई हैव, स्टिल. ओह माय गॉड, ये मुझे अब पता चल रहा है. बट एक दो साल पहले तो मैंने बात भी किया था, तो आई डू रिमेम्बर किसके पास थे वो बाल. मतलब गिल्ट इतना बड़ा था कि उसने बाल अब तक संभाल कर रखे, जबकि मैंने इससे कई बार बाल भी कटवा लिए. लोग अपनी डायरीज में फ्लावर देते हैं, मैंने इसके बाल अपनी डायरी में रखे हैं अभी तक घर पे. पर्सनल डायरी में या. सो लेट मी टेल यू, यू आर रॉन्ग. ये एक चीज हो सकती है, बट मुझे सबसे प्यारी एक चीज लगती है. अब ये प्यारी तो नहीं थी. या दिस इज नॉट प्यारी. जब हम छोटे थे बचपन में, यू नो, सो मामा गए थे कुछ सामान लाने बाजार. नो यू कांट. सो ओके, सो अम्मी गई थी बाहर बाजार से कुछ लेके आने के लिए, एंड मैं उस वक्त झूले में थी. ओके, बच्चे छोटे होते तो झूले में होते हैं. एंड शी इज माई एल्डर सिस्टर. ओके, सो मैं झूले में थी. अब वो झूला किसी को हिलाना पड़ता है. ओके, सो शी इज द वन जो नीचे बैठ के वो झूला हिला रही थी. एंड एट दैट टाइम आई वॉज क्राइंग, मैं रो रही थी.
सो ये मुझे देख के इसने भी रोना स्टार्ट कर दिया, झूला झूला भी रही थी एंड वो रोए जा रही थी बिकॉज मैं रो रही थी. ऑब्वियसली तब हम बहुत छोटे थे, हमें ये बातें याद नहीं थी, बट एक आंटी थे साइड में जिन्होंने ये सब नोटिस किया और मम्मा को बताया एंड मम्मी ने हम सबको बता दिया, बहुत बार बताया एंड ये मुझे बहुत प्यारा लगता है यार, इतना प्यार कि बचपन में मुझे रोता देख के ये भी रोने लगी. So, ये हो गया 6 क्वेश्चंस का फर्स्ट राउंड जिसमें से उसको मिलते हैं 4 मार्क्स. सो अब स्टार्ट होता है सेकेंड राउंड जिसमें मैं इसको चॉइस दूंगी, अल्टरनेटिव 2 चॉइस दूंगी, जो भी करेक्ट उसको लगेगा उसको चूज करना होगा. सेकेंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज माय फेवरेट फूड. सो हियर आर द चॉइसेस, चिकन बिरयानी और दाल राइस. इट्स वेरी इजी, चिकन बिरयानी. यू आर राइट, आई कैन हैव चिकन बिरयानी एट एनी टाइम एनीवेयर. आई जस्ट लव चिकन बिरयानी. यस, वी हैड चिकन बिरयानी इन लंच ओनली, सो आई कैन हैव चिकन बिरयानी एनी टाइम. सो सेकंड क्वेश्चन है, मुझे मीठे में क्या खाना पसंद है ज्यादा. चॉइसेस आर चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स. सो हियर द आंसर इज आइसक्रीम, बिकॉज चॉकलेट उसे पहले पसंद था कुछ साल पहले. ये राउंड तो पूरी तरह से मैं जीतने वाली हूँ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माय ड्रीम डेस्टिनेशन वेयर आई वांट टू विजिट. कभी भी, लाइक कभी भी, आफ्टर मैरिज हो सकता है या जब मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं जाऊँ. सो व्हाट इज माय ड्रीम डेस्टिनेशन. मुझे पता है इसका आंसर तुमको नहीं पता. गिव द चॉइसेस. आई विल गिव द चॉइसेस. इट्स शिमला फर्स्ट और ग्रीस. इट्स टफ अ लिटिल. इट्स टफ, आई नो, दैट्स व्हाई, बट यू शुड नो शिमला. आई लव शिमला मिर्च. ओके, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे शिमला जाना है. आई वॉन्ट टू विजिट ग्रीस एंड वन डे आई विल विथ माई फैमिली एक्चुअली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फेवरेट हॉलीवुड मूवी. ओके, वेट, सबर करो, सबर चॉइस, सबर करो, लेट अप न्यू कंट्रोल कंट्रोल. फर्स्ट इज मार्वल्स की सारी मूवीज लाइक आयरन मैन, थॉर एंड ऑल, वो जो भी मूवीज सारी थी. सेकंड इज ट्विलाइट सागा. पहली बात तो मूवी जबरदस्ती मैंने ही दिखाई थी और उसके बाद क्या हुआ था मुझे पता है. आई सपोज टू से दिस बट तब तक तुमने बोल दिया. मुझे लग रहा है मिर्ची मुझे ही खानी पड़ी. हम में से उसके 3 क्वेश्चन सही थे, 1 क्वेश्चन रॉन्ग था जो कि डेस्टिनेशन का था.